भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा और सांसद प्रज्ञा ठाकुर सहित भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनकी याद में प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया गया। इस दिन को देखने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो पुण्यतिथि है, इस पुण्यतिथि के इस अवसर पर जिसको हम बलिदान दिवस के तौर पर पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इस रूप में लेने का प्रयास करता है कि आज इस संगठन के हम कार्यकर्ता है जो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर के आज पूरे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में अपने भारत के लिए नहीं दुनिया का नेतृत्व करने की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे दल की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना करने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी बनी और आज उसकी यात्रा इस रूप में है कि संपूर्ण दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हमारे महाराज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न केवल कुलपति के रूप में बल्कि जब बंग भंग हुआ बंगाल को आजादी के समय अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो पश्चिम बंगाल भी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता। जिनके धैर्य और साहस के कारण, जिनकी कर्मठता के कारण आज पश्चिम बंगाल हमारा अंग है। हिंदुत्व उद्घोष करते हुए वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। तब महात्मा गांधी ने उसमें यह कहा था, पंडित मदन मोहन मालवीय के बाद गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। प्रदेश के 1059 मंडलों के 64,500 बूथों पर बलिदान दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए। बूथ स्तर पर संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।